नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए अपने YouTube चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेलीस्कोपिक गेज के बारे में कि टेलीस्कोपिक गेज क्या है, हम उसको कैसे यूज करते हैं, क्या उसकी कंस्ट्रक्शंस होती है, कहाँ पर हम यूज करते हैं, विद प्रैक्टिकल मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप ये मेरे हाथ में जो देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज की अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कुछ ऐसा है, इस तरह का आपको ये देखने को मिलेगा गेज, और अलग अलग साइजेस में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसका यूज क्या है। टेलीस्कोपिक गेज का यूज हम वहां करते हैं जब भी हमें किसी भी बोर डायमीटर का, बोर मींस इनर, जो इनसाइड डायमीटर्स में जो बोर डायमीटर्स रहेगा उसका अगर हमें होल डायमीटर अंदर से चेक करना है तो उसके लिए हम बोर इसका टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपके पास कुछ इस तरह का कोई कंपोनेंट है, इस तरह का कोई बोर है, राइट। सो अगर आपको ये इसका ये इनसाइड डायमीटर चेक करना है तो आप वर्नियर की हेल्प से, जैसे यहाँ से हम देखें तो वर्नियर की हेल्प से आप इस तरीके से इसका इनसाइड ये चेक कर सकते हैं। बट इसी होल, इसी बोर में अगर आपको इसके अंदर में चाहिए, अंदर का वेरिएशन चाहिए, अगर अंदर में कुछ डायमीटर चेक करना है तो आप वर्नियर कैलिपर या किसी और इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए ये टेलीस्कोपिक गेज की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप ये टेलीस्कोपिक गेज यूज करते हैं। अब हम जानते हैं इसकी कंस्ट्रक्शंस के बारे में। कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो ये जो इसकी जो दो रोड्स हैं, जैसे कि यहाँ से देखेंगे ये स्प्रिंग्स होती है, इसमें मूवेबल रहती है ये, तो इसको हम टेलीस्कोपिक रोड्स बोलते हैं। और ये मूवेबल रहती है टेलीस्कोपिक रोड, यहाँ पर ये इसका इसका हैंडल्स रहेगा, स्प्रिंडल इसका हैंडल्स, और यहाँ पर ये इसका लॉकिंग नट रहेगा। लॉकिंग नट क्या करता है, जैसे हमारा ये हमने लॉक किया, अब एक यहाँ से इसको हमने लॉक कर दिया, जैसे हम इसको यहाँ से रिलीज करते हैं तो ये जो इसकी टेलीस्कोपिक मूवेबल रोड्स हैं ये मूव करती हैं, तो आपका ये इसमें लॉकिंग नट्स, तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है। और अगर हम इसकी बात करें कि हम इससे कहाँ से कहाँ तक, आप देखेंगे यहाँ से हमारे पास ये वेरियस साइजेस में आपको मिल जाएंगे, 12.7 mm से लेके 150 mm तक की रेंज में आपको ये पूरा सेट मिल रहा है। यानी हम 12 mm से, यानी 12.5 समथिंग, अगर हम mm से लेके 150 mm तक के बोर डायमीटर्स को अगर हमें मेजर करना है, चेक करना है, तो उसके लिए आप ये हमारा जो बोर गेज है, सॉरी बोर गेज नहीं, टेलीस्कोपिक गेज, ये सुटेबल है, इसके थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए, ये सबसे लार्ज साइज़ का 150 mm का, और ये मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो रेंज है वो, जैसे यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है यहाँ 12.7 to 19 mm तक की रेंज में ये आपका मेजर कर सकता है। लाइक यहाँ से देखिए, ये कुछ इस तरीके से इसकी ये यहाँ से टेलीस्कोपिक रॉड्स हैं, और हम यहाँ से इसको रिलीज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से रिलीज होती हैं, तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम एक प्रैक्टिकल्स के थ्रू समझते हैं कि हमसे अगर हमें कुछ बोर मेजर करना है तो किस तरीके से करेंगे। सो गाइस, जैसे बताया था मैंने, प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे तो हमारे पास ये कुछ बोर मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताने के लिए दिखाया। तो जैसे हमें इसके बोर का अंदर से बोर डायमीटर अगर हमें चेक करना है तो हम इसे टेलीस्कोपिक गेज की हेल्प से कैसे चेक करेंगे। जैसे बताया आपको, ये अगर चेक करना है तो मैं पहले ही बताया था आपको, इससे आप वर्नियर कैलिपर लेंगे और उससे ये इनसाइड डायमीटर मेजर कर सकते हैं। लेकिन बोर के अंदर का अगर आपको डायमीटर चेक करना है इसके बोर में, तो आप इससे वर्नियर कैलिपर की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी जो टेलीस्कोपिक रोड्स हैं इसको इस लॉक नट के थ्रू इस तरह से लॉक करना है। उसके बाद इसमें आपको रफ इसका डायमीटर पहले मेजर करना होगा किस साइज़ का, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे किस रेंज का टेलीस्कोपिक गेज हमें लेना है। उसके बाद आप इसको सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री इस तरह से बोर के अंदर लेके जाएंगे, और यहाँ से लॉक नट जो मैंने बताया था आपको, ये लॉक नट, इसके लॉक नट से इसके तरह से हम इसको रिलीज करेंगे। ऐसे जैसे ही मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मैंने इसको लॉक किया और इस तरीके से जैसे ही मैं इसके लॉक नट को ऐसे रिलीज करूँगा तो इसकी जो टेलीस्कोपिक रोड्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी, यहाँ पे दोनों साइड में कनेक्ट हो रही, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर हमें इसकी पोजिशन जो है वो 90 डिग्री रखना है, पोजीशन जो है उसकी 90 डिग्री रखनी है, और उसके बाद आपको अपनी इस लॉक नट से इसकी जो पोजीशन है उसको यहाँ से लॉक कर देना है।
लॉक करने के बाद इसको टिल्ट करके आप इसे आराम से इस तरह से निकाल लीजिए। और फिर इसके बाद आपको किसी भी जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे आप इसके डायमीटर को चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पर अभी वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर रहा हूँ। तो वर्नियर कैलिपर पहले हम इसको 0 सेट करेंगे और उसके बाद हम इसके जो डायमीटर है वो कितना है यहाँ से आप इसको इस तरह से मेज़र कर सकते हैं। सो यू कैन देख सकते हैं कि आप अभी जो हमारा जो रीडिंग आ रही है वो 79.26 समथिंग, जो हमारा 79.30 अभी हमारा जो एग्जैक्ट रीडिंग इस बोर की अंदर अगर हम इनसाइड में देखें तो अभी एग्जैक्ट इतना रीडिंग है। तो इस तरीके से आप टेलीस्कोपिक गेज की हेल्प से किसी भी जो बोर डायमीटर्स होते हैं, हमें बोर में अगर हमें डायमीटर्स मेजर करना होगा तो उसकी हेल्प इसके गेज की हेल्प से आप यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने टेलीस्कोपिक से गेज से रिलेटेड जो भी कुछ डाउट्स रहे होंगे सभी क्लियर किए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।